সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा, वो एग्जामिन करके मुझे कॉपी वो भेजेगा। दूसरा मेरा सीरियस एलिगेशन है, पूरा देश में एक ही ऐप कोविन का ऐप से वैक्सीनेशन का पोर्टल चल रहा है, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट अपनी दूसरा एक ऐप लगा दिया, बेन वैक्स। मैं कंप्लेन किया, मंत्री जी ने मेरा कंप्लेन लेकर इंक्वायरी करने का ऑर्डर भी दे दिया। मिनिस्टर जी ने मुझे बताया जब दो स्टेट ने इस तरीका से कार्रवाई किया था, छत्तीसगढ़ और दूसरा एक स्टेट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत कार्रवाई किया, बंद करा दिया। ये इलीगल है, ये इसका परमिशन नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर है, उसका पास पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा के पूरा है। सब मामला में राजनीतिकरण करना और बीजेपी को, मोदी जी को, प्रधानमंत्री को गाली देना उसकी आदत है, पुरानी आदत। वो आदत से उन्होंने ये सब बात, झूठा बात बोल रहा है, ये राजनीति से प्रेरित। आज आप जनरल से भी मुलाकात किए, तुषार मेहता से आपने मुलाकात, और गृह मंत्री से भी आपने मुलाकात की, क्या मुद्दे रखे? दादा, कुणाल घोष एक ट्वीट कर शारदा और नारदा मामला तदंत चलते, आपकी की सीबीआई और ईडी जिन्हें आईनजीवी तरह संगे देखा करते आपनी मध्यस्थता कर अभिजोग कर। আমি 3.5 বছর সারদা মামলাতে জেল খাটা কোনো লোকের উত্তর আগেও দিইনি আজ। আপনি তুষার মেহতা সে মুলাকাত কি জো সলিসিটর জেনারেল नहीं 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 हमें इसमें कोई टिप्पणी नहीं। अच्छा, तो गृह मंत्री साहब ने मुलाकात की क्या? जो बैलेंस को लेकर स्टेट गवर्नमेंट अभी भी एक्शन नहीं ले रही है, वो स्पोर्ट बैलेंस को लेकर अभी भी स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, क्या आपने इसको फिर से एक्शन की मांग की गृह मंत्री साहब मुलाकात में? आज सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री जी हमारी नेता है, उनकी और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जब भी जरूरत होगा मैं आऊँगा, अपॉइंटमेंट लेकर बात करूँगा। यह हमारी अंदर की मामला है, घर की मामला है, सब बात मीडिया के सामने बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन नेता के पास आना और नेता के पास मार्गदर्शन लेना ये हमारी राजनीतिक जो काम है उसका पार्ट है, इसलिए सब बात मीडिया के सामने लाना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये सही है, बंगाल में पोस्टपोल वायलेंस जो चल रहा है अभी भी, इसको ख़त्म करने के लिए जो जो कार्रवाई करना चाहिए, भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप भी कर रहा है, हमारी पार्टी भी कर रहा है, स्टेट पार्टी भी कर रहा है, एक साथ हम काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज के सीट करार जन्नो नोटिस इशू करे छे, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आज के बोले छे। इनिशियली वेलकम करबो एवं हमें आशा करबो जे निरपेक्ष तदंतर माध्यमे पश्चिमबंगे जे नरसंहार होयेछे स्वाधीनतार परे, एत बड़ अत्याचार, ये अत्याचारी खुजे बेर करे तादेर पानिशमेंट होक, एवं ये अत्याचारी जरा उत्साहित करेछे निष्क्रिय थेकेछे पुलिस प्रशासनेर लोकेरा, सेई पुलिसेर लोकेदेर आईसी थेके एसपी, एसपी थेके डीजी पर्यन्त तादेर भूमिकाओ विश्लेषण करा दरकार आछे, सेटाओ आमरा आशा करि। আমি এদের কথার উত্তর দেব না, আমাকে কিছু বলতে চাই। দাদা, কালকে কি বিধান কো লেকার সুপ্রিম কোর্ট নে নোটিশ দিয়া হ্যায়, সেন্টার কো ভি দিয়া হ্যায়, বঙ্গাল কো ভি দিয়া হ্যায়, অর ইলেকশন কমিশন কো ভি পুছা হ্যায় কি আসলিয়ত বতায়ে কি পোস্ট পোল মে জো আপ কহ রহে হ্যায় কি বহুত সারে হিন্দুও কো ভি ছোড়না পড়া বঙ্গাল অর উন পর অত্যাচার হুয়া উসকো লেকার। দেখিয়ে, হাম লোগ কা জো এলিগেশন হ্যায় ও এলিগেশন কোর্ট মে ডালা গয়া, এনএইচআরসি কা আট টিম ভি কাম কর রহা হ্যায়,
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने भी इंटरवेंशन किया। कोर्ट का अंदर का मामला बाहर में बोलना अभी ठीक नहीं है। जो इनिशियली आया है कोर्ट ने निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए सीट की मामला के लिए डायरेक्शन नहीं दिया, ऑब्जर्वेशन दिया। हम लोग का उम्मीद का आशा की किरण बढ़ रहा है कि इतना बढ़िया हादसा, इतना बढ़िया अत्याचार का जो अत्याचारी है और जो इनकॉम्पिटेंट वेस्ट बंगाल का ममता जी का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको ऊपर अच्छे तरीके से कार्यवाही होगा, ये हम लोग का उम्मीद। काल की बजट सेशन में शुरू होने वाला है, क्या रहेंगे आपके, कैसे आप सरकार को दे रही हो क्या? वो ठीक है, वो तो असेंबली का फ्लोर में देखा जाएगा। छोड़ दीजिए मेरा दिलीप घोष बोले आप दिल्ली आने ना कि जाने दिलीप घोष बोले ठीक है भलो ठीक है।